पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के युवाओं के जोश से भरी युवाओं की संस्था अल्फाज अपने 3 वर्ष पूर्ण करने पर जश्न अल्फाज के नाम से एक महफिल सजाई, जिसमें साहित्यकार और कलाकारों ने अपने कलाम पेश किए। साथ ही मुकामी और बेहरूनी नामी ग्रामी कवि और शायरों ने शिरकत की। दीनदयाल नगर स्थित एक कैफे में आयोजित जश्न अल्फाज कार्यक्रम के दौरान बरेली से आए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार एडवोकेट मध्यम सक्सेना ने मुख्य अतिथि कलाकार के रूप में शिरकत की। साथ ही मुरादाबाद और अन्य जनपद से आए अतिथियों और कलाकारों ने अपना काव्य पाठ किया, जिसमें मुरादाबाद से जिया जमीर, चंदौसी से मोहम्मद हनीफ, अपने शहर से राजीव प्रखर, जनपद मुरादाबाद से मयंक शर्मा और नोएडा से अंकुश सिंह शामिल रहे। टीम ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और ये लोग बड़े परिश्रम से काम कर रहे हैं, तो मैं इन्हें अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे लायक जो भी सहयोग होगा किस भी तरीके का मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। के बाद मेरा खत मिलेगा तुम्हें, मेरे चले जाने के बाद तुम पढ़ोगे दास्तान मेरी, मुझे रूठ मेरे रूठ जाने के बाद। मुझे बिंदी पसंद है माथे पर तुम्हारे, मुझे बिंदी पसंद है माथे पर तुम्हारे, पर तुम खुद हटाओगी बिंदी को उस माथे से और छोड़ोगी सब सुझा इस दिन के बाद। अभी तो मैं परेशान करता हूँ, अभी तो मैं परेशान करता हूँ, तुम परेशान हो जाओगी एक दिन, मुझसे मिलने चली आओगी एक दिन और मैं यूं ही नाराजगी जताऊंगा, उठूंगा नहीं जिस दिन तुमसे नजरें छुड़ाऊंगा। अभी तो आज़ादी का फरमान चाहिए, अभी तो आज़ादी का फरमान चाहिए, फिर एक रोज बोलोगी तुम्हें मेरा नाम चाहिए। आजादी का फरमान चाहिए और एक रोज बोलोगी तुम्हें मेरा नाम चाहिए और खुद को उजाड़ोगी तुम एक रोज मुझे सजाने के लिए। क्या हुआ मेरे हल्दी लगी है तुमसे दूर ले जाने की, लोगों को मुझे जल्दी लगी है, कहोगी थोड़ा वक्त और दे दो, कहोगी थोड़ा वक्त और दे दो, जरा भर निहार लूं मैं आज के बाद, आईना ना देखूं शायद आज भी खुद को सवाल लूं मैं। रूठ गई हो मेरे अंदाज पर तुम, रूठ गई हो और मैंने कहा था तुम्हें हर दफा मनाऊंगा,